राम सहाय। बनारस घराने ने, विशेषकर काशी नगरी ने, अनेक उच्च कोटि के तबलियों को जन्म दिया है। इसका श्रेय स्वर्गीय पंडित राम सहाय महाराज को है। उन्होंने इस घराने को जन्म दिया। पंडित कंठे महाराज, किशन महाराज, सामता प्रसाद, शारदा सहाय आदि इसी घराने के कुल दीपक हैं। स्वर्गीय पंडित राम सहाय का जन्म सन 1830 में काशी में हुआ। आपके चाचा तबला बजाया करते थे। शिशु अवस्था में ही आप घंटों तबला सुना करते थे। बचपन में ही आपको बहुत चीजें याद हो गई थी और अपने चाचा से तबले की शिक्षा लिया करते थे। 1 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक राम सहाय बहुत अच्छा तबला बजाने लगे। एक बार लखनऊ के उस्ताद मोदू खां ने आपका तबला सुना। वे आपसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आपके पिता से तबला सिखाने के लिए मांग लिया। बालक राम सहाय ने बड़ी निष्ठा और परिश्रम के साथ उस्ताद मोदू खां से तबले की शिक्षा ली। मोदू खां की पत्नी को भी तबले की यथेष्ट सामग्री कंठस्थ थी। कहते हैं कि जब एक बार मोदू खां बाहर चले गए थे तो उसी बीच उनकी पत्नी ने आपको 500 गते बता दी। जब नवाब वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठे तो उन्होंने संगीत का एक बड़ा जलसा आयोजित किया, जिसमें पंडित राम सहाय ने नवाब साहब को अपने तबला वादन से खुश कर दिया था। वाजिद अली शाह ने आपको तथा आपके गुरु उस्ताद मोदू खां को यथेष्ट धन, सच्ची मोती की माला, हाथी आदि पुरस्कार स्वरूप दिया। इन सब को लेकर आप बनारस पहुंचे। काशी में आपको बड़ा सम्मान मिला। आपने अपने छोटे भाई जानकी सहाय को नृत्य छुड़वाकर तबला सिखाना शुरू किया, जो बाद में बड़े गुणी कहलाए। आपने बनारस बाज नाम की एक पुस्तक का लेखन भी किया, जो आज उपलब्ध नहीं है। उनका जन्म 1830 के आसपास वाराणसी में और मृत्यु 1876 में वाराणसी में ही लगभग 46 वर्ष की अवस्था में हुई, किंतु एक सशक्त घराने का निर्माण कर गए।